हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि एमएस एक्सेस में हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। तो ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कीजिए, क्रिएट पर क्लिक कीजिए और यहाँ व्यू पे क्लिक कर दीजिए और डिज़ाइन व्यू पे आ जाइए। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ आईडी होगी तो कस्टमर की आईडी होगी, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कस्टमर आईडी, ठीक है, और यहाँ ऑटो नंबर है तो इसको हम टेक्स्ट बना सकते हैं या ऑटो नंबर भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऑटो नंबर ही रहने देता हूँ, ठीक है। आप इसको नंबर भी बना सकते हैं, ठीक है। कस्टमर नेम यहाँ पे हो जाएगा, जो कस्टमर लोन ले रहा है उसका नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है, एड्रेस में हम टेक्स्ट रखेंगे और यहाँ पे अमाउंट, कितना अमाउंट उसने लोन लिया है, ठीक है, या कितना अमाउंट उसने लिया है उस पर सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो रेट लिख दिया हमने, ठीक है, और इसको भी नंबर डेटा टाइप रखेंगे और यहाँ पे टाइम रखेंगे, ठीक है, और इसको भी नंबर बनाएंगे हम, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे हमको लोन अपना कैलकुलेट करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं लॉन्ग इंटीजर को, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे इसको डेसिमल बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम स्केल में 3 रखते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी इसको बनाएंगे डेसिमल और स्केल में रखेंगे 3 और यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ पर भी डेसिमल और स्केल में 3। स्केल में 3 रखना है हमको, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर जब आएंगे नीचे तो यहाँ पर हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। एस आई ये मैं लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा, पहले हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपको आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एसआई में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे, यहाँ क्रिएट पे क्लिक किया हमने, क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड करवा लीजिए इसको और उसके बाद लाइन वाइज इंसर्ट करते चलिए, 1 2 3 और ये 4, ये 5, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस के बाद अमाउंट, फिर रेट, रेट छूट गया, यहाँ से चूज कर लेते हैं रेट, फिर यहाँ पे टाइम होगा, टाइम चूज कर लेते हैं और एट लास्ट एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लगा लेंगे, यहाँ पे कोलन लगाएंगे, कोलन लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और इसमें लिखिए अमाउंट, ठीक है, ये हमारा मूलधन होगा। अब यहां पे लिखेंगे रेट, यहां पे लिखेंगे टाइम, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने टाइम, अपॉन 100 कर देंगे, बस हो गया हमारा काम, हमारा एसआई कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब यहां पे हमको लिखना है कस्टमर नेम, ठीक है, जो भी कस्टमर है, जैसे मान लीजिए कस्टमर का नाम है अविनाश, ठीक है, इन्होंने लोन लिया है और इस पर हमें इनका एड्रेस देना है यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ न्यू कॉलोनी देवरिया, ठीक है, ये लिख दिया हमने और इसके बाद अमाउंट कितना है इनका, जो भी अमाउंट है, जैसे मान लीजिए इन्होंने लिया 2,30,000 रुपये, ठीक है, ये दे दिया हमने। इसके बाद यहाँ पर जब आएंगे तो रेट, रेट कितना है, 5.7% के हिसाब से इनको लोन अमाउंट पेड करना है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम देंगे, तो जैसे मान लीजिए कि इन्होंने लिया 1.5 ईयर के लिए या 3 ईयर के लिए लोन लिया है, उसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि 2,30,000 रुपये पे ये क्या आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा अगर हमें करना हो, ठीक है, जैसे विनय सिंह, इन्होंने लोन लिया, ठीक है, और इनका जो एड्रेस है वो है राघव नगर देवरिया,
ठीक है, और जो अमाउंट है जैसे मान लीजिए वो हो गया 6 लाख, ठीक है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7.2%, ठीक है। यहाँ पर जब आएंगे तो टाइम है, तो टाइम इनका 4 साल का है, तो यहाँ पे रेट ऑफ जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।